गुड मॉर्निंग मैडम सिंह, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम क्लास एट वालों के लिए एक्सरसाइज 6.4 में आगे बढ़े मैसे मैडम से। इसके पहले के सारे क्वेश्चन लग गए होंगे, कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा तो हम उसे पर्सनली व्हाट्सएप पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर नहीं आइए फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग डेसिमल। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा। इसमें पेयर बनाएंगे डेसिमल का, इधर राइट साइड दो दो का, इधर 3 3 जा 9 टेम्स 9 गया 1 3 3 प्लस करिए 6, फिर दशमलव लगा के यहाँ पे, फिर अगला पेयर उतारिए। अब कितनी बार ले जाएं 124 जाए 2 2, यहाँ भी लिखेंगे यहाँ भी, और 2 का इन दोनों में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, कट गया। और आप डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना सीख चुके होंगे मैं से, तो क्या होगा 3.2। अब इसी तरह 0.81 का भी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 0.9, ठीक मैडम सर। तो आप डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना सीख चुके हैं, 2 का पेयर बनाएंगे 99 जा 81 कट गया, तो इसका स्क्वायर रूट 0.9। आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड आगे बढ़ते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर करेक्ट अप टू द 3 डेसिमल प्लेस। तो 5.00 देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है, 3 डेसिमल तक स्क्वायर रूट निकालना है। तो पहले 2 2 0 3 पेयर में बढ़ा लीजिए डेसिमल बार। अब कितनी बार नंबर पड़े उसी में कि 5 से 2 2 4 5 में 4 गया 1 2 2 प्लस। अब डेसिमल यहाँ लिखेंगे, अब एक पेयर 0 उतारेंगे, अब 100। अब कितनी बार टेबल ले जाएँ कि यहाँ भी लिखे यहाँ भी, और 100 से ज़्यादा ले जाएँ 2, यहाँ भी लिखे यहाँ 2 2 4 2 जब, ठीक है 60। अब 2 का प्लस करेंगे 2 2 4 4। अब अगला पेयर उतारें 0। अब उसी नंबर का उसी में कितनी बार ले जाएं कि इससे ज़्यादा ले जाए 3 3, यहाँ भी लिखे यहाँ 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 4 जा 3 0 में शाइनिंग गया 9 3। अब बस वही प्रोसेस करिए, तो 2 3 डिजिट, तो देखिए 3 डिजिट तक निकालना है, तो 4 डिजिट तक हम स्क्वायर रूट निकालेंगे और देखेंगे। तो स्क्वायर रूट हो गया 2.26। जब देखेंगे चौथा डिजिट अगर 5 से बड़ा है तो उसके पहले में एक अंक जोड़ देंगे, और चौथा डिजिट 5 या 5 से छोटा है तो चौथा डिजिट को नहीं लिखेंगे। अब चूंकि चौथा डिजिट 5 से ज़्यादा है तो उसके पहले वाले डिजिट 5 में एक जोड़ देंगे, तो हो गया 2.26। ओके मैं से, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या होगा 2.23। ओके मैं से, इसी तरह ये बी पार्ट भी देख लीजिए मैडम से। इस 2 स्क्वायर, बस वही प्रोसेस यहाँ पे। तो 2 का स्क्वायर रूट निकाला 1.4142। अब चौथा डिजिट 2 है तो 2 को छोड़ देंगे, 3 डिजिट लिखेंगे। तो ये हुआ अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक। ओके मैडम से, अप टू 3 डेसिमल प्लेस आप चाहे यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रैकेट में, अप टू 3 डेसिमल प्लेस, यहाँ पर भी मैडम से लिख सकते हैं अप टू 3 डेसिमल प्लेस। आइए क्वेश्चन नंबर 3, एस्टिमेट द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग। सेम प्रोसेस, स्क्वायर रूट निकालिए, आप निकालना सीख चुके हैं डिवीजन मेथड से। तो इसका आया 60.5, तो स्क्वायर रूट होगा 60.5 डेसिमल के 1 तक। तो राउंड फिगर में माने केवल इंटेजर लिखेंगे एस्टिमेटेड, तो इसको छोड़ देंगे 60। उसी तरह बी पार्ट भी हमने निकाला 8.1, तो 8.1 डेसिमल तक, लेकिन अगर एस्टिमेटेड डेसिमल छोड़ देंगे इंटेजर 8। ओके मैम सर, तो जितना क्वेश्चन मैंने रफ पे करा दिया फेयर पे आप बता लीजिएगा, और कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर नहीं भी, जिन बच्चों के पास बुक है वो बाकी पार्ट क्वेश्चन में बुक से लगाएंगे, और जिन बच्चों के पास अभी तक बुक अवेलेबल नहीं हो पाया उन्हें मैं वीडियो के माध्यम से होमवर्क दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व। ओके मैडम, एक्सरसाइज 6.1 का पहले का ए बी मैंने बता दिया, इसे सी डी होमवर्क कर लीजिएगा। ओके मैम सर, दूसरे का आई बी मैंने बता दिया, इसे सी डी होमवर्क कर लीजिएगा। तीसरे का आई बी मैंने बता दिया, इसे सी डी होमवर्क कर लीजिएगा। ओके मैं से, और हम एडवांस होमवर्क दे रहे हैं 4 5 6 करिएगा करने को। इसी तरह आगे क्वेश्चन सारे हैं, स्क्वायर रूट निकालना है। ओके मैं से, और कोई भी डाउट होगा तो हमसे पल्स नहीं व्हाट्सएप पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर नहीं भी, जिन बच्चों के पास बुक है वो बाकी पार्ट क्वेश्चन में बुक से लगाएंगे, और जिन बच्चों के पास अभी तक बुक अवेलेबल नहीं पाए उन्हें मैं वीडियो के माध्यम से होमवर्क दे दिया हूँ, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व। ओके मैं से, ओके मैं से, गुड मॉर्निंग, विश ऑल बेस्ट, सी यू टुमारो वंस अगेन, जय हिंद।